महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी दीपक नेपाली को क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और महादेव ऐप मामले के केस में दर्ज है। और वहीं आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस काफी समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें के लूट, मारपीट, अपहरण तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कि वांटेड था, जिसमें के इसके खिलाफ केस रजिस्टर थे। इसके अतिरिक्त इसकी जामुल और भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्कत से, काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अतिरिक्त और भी जो फरार अपराधी हैं इस तरीके के, उन सभी पे दुर्ग पुलिस अच्छी कार्रवाई